दोस्तों आज मैं आपके साथ कच्चे आलू से ऐसा चटपटा और कुरकुरा नाश्ता शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप एक बार बना लेंगे ना तो हफ्ते में दो चार बार तो जरूर बनाएंगे। हेलो दोस्तों, आरएसपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एकदम न्यू रेसिपी शेयर करूँगी जिससे आप टी टाइम या फिर स्टार्टर के रूप में भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये रेसिपी बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो खासकर आप उनके लिए भी इसे बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ लिया है मैंने 3 से 4 आलू और इसे अच्छे से छील कर काट लिया है। अब इसे हम डालेंगे पानी में और इसका स्टार्च निकालने तक 2 से 3 पानी अच्छे से हम धुल लेंगे। आलू को अच्छे से धुलने के बाद हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से इसे बॉयल कर लेना है। ये छोटे छोटे पीस में है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत जल्दी ये बॉयल हो जाता है। फिर इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसे पोटैटो मैशर से या फिर इस तरीके से फॉर्क से मैश कर लेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें कोई गुठलियां ना हो। फाइनली बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तेल और इसे फिर से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप अपने मन पसंद कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसके बाद डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, आरा रोट या फिर चावल का आटा। मेरे पास आरा रोट का पाउडर था तो मैंने इसे डाल दिया है। आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, पनीर को भी अच्छे से ग्रेट करके डाल देंगे। वैसे पनीर डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें या फिर बिना पनीर के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। फिर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो इसे स्पेचुला से या फिर हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि ये कितनी थिक होनी चाहिए। वैसे मैं अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी क्योंकि स्पेचुला से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा हम चावल का आटा भी डालेंगे। दोस्तों, यह रेसिपी इतनी मजेदार बनकर तैयार होती है ना कि आप इसको बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। और जब मन करेगा तब इसे जरूर बना लेंगे क्योंकि बनाने में ये बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही कम चीजों से बनकर तैयार हो जाती है। तो फाइनली हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक चॉप किया हुआ, बिल्कुल छोटा सा बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। यहाँ आप अपने मन पसंद सब्जियों को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो देखिए, डो हमारा अभी बहुत गीला लग रहा है तो हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। प्याज और शिमला मिर्च ने भी पानी छोड़ दिया है इसलिए ये थोड़ा और भी ज्यादा गीला हो गया है। तो बस अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ चावल का आटा ना डालकर आरा रोट या कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हैं। तो बस इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। वैसे आप बिल्कुल मेरे तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बनाने में भी बहुत आसान है और इतना कुरकुरा और चटपटा बनकर तैयार होता है कि आप इसे जिसे भी खिलाएंगे तारीफ करते नहीं थकेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है, और आप इसे 10 दिनों तक बनाने के बाद स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब जी चाहे टी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें से हाफ डो निकाल कर इस तरीके से थोड़ा सा लंबा करेंगे और इस पाइपिंग बैग में डालकर नाश्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। वैसे आप चाहें तो कोई नमक का या दूध का थैला हो तो उसमें भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर खाली बोतल से भी ढक्कन में छेद करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इस पाइपिंग बैग को तैयार कर लिया है। तो मैं आपको इसे दिखाने के लिए बस ऐसे ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी और चीज से बनाऊंगी, अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो बस आप इसी पाइपिंग बैग में या फिर किसी भी पॉलिथीन को कॉर्नर से काट कर आप जैसा चाहे डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और अभी अभी मैंने पकौड़े तले थे, उसी में से यह तेल बच गया था तो उसी को मैंने ले लिया है। तो देखिए, बस इसी तरीके से बहुत आराम से ये हो जाता है।
ऐसे इसे बना लेना है। तो यहाँ मैं इस मशीन से इस रेसिपी को बनाऊंगी। अगर आपके पास ऐसी मशीन है तो आप देखिए इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है, आप जैसे भी चाहें इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चटपटा, कुरकुरा और आसान रेसिपी है दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको जरूर पसंद आएगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप इस शेप में चाहें और भी कोई भी शेप आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे लंबा, टेढ़ा, मेढ़ा, गोल, जैसा चाहें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से बना लूंगी और अगले बैच का फ्रेंच फ्राई जैसा लंबा बनाकर दिखाऊंगी। वैसे आप इसे फ्रेंच फ्राई भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे कुरकुरे नाम दे सकते हैं। बच्चे तो इसे कुरकुरे ही बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। और दोस्तों आप इसे अपने घर में एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे तो पैकेट वाले कुरकुरे की छुट्टी कर देंगे। तो इस तरीके से हेल्दी चीज आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए जरूर बनाकर रखिए। आप इसे 10 से 15 दिन स्टोर करके भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता, बिल्कुल जैसा आप बनाकर रखेंगे कुरकुरा बना रहता है। तो बाकी का मैंने चॉपिंग बोर्ड पर बना लिया था और उसके ऊपर से उतार उतार कर गरम तेल में डायरेक्ट डालते जाऊंगी और गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम ही रखेंगे। दोस्तों ये बहुत जल्दी कुरकुरा हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। दोस्तों आपको जैसे इजी लगे उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट तेल में भी इसे बना सकते हैं या फिर चॉपिंग बोर्ड या किसी बर्तन के ऊपर इसे पहले बना लीजिए और फिर गर्म तेल में इसे तलकर तैयार कर लीजिए। तो फाइनली हमने सारे को बनाकर तेल में डाल दिया है। तो अभी हम तेल में डायरेक्ट इस स्पैचुला को नहीं चलाएंगे, बस चम्मच से इसे हल्का सा घुमा लेंगे और जब तक ये अच्छे से एक तरफ से कुरकुरा ना हो जाए यानी हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे हिलाते हुए फ्राई करेंगे। देखिए देखने में आपको ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा होगा लेकिन जब ये तलकर प्लेट में जाएगा तब इसकी खनक देखिएगा आप, ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो जो पहले बैच हमने डाला हुआ था ना वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो बस इतना ब्राउन होने के बाद हमें निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी कोई भी रेसिपी आपसे छूटने न पाए। तो फाइनली दोस्तों नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, देखिए आप इसकी लुक देख सकते हैं, देखने में कितनी मजेदार और कुरकुरी टेम्पटिंग दिख रही है। तो देखिए मैं अब इसकी आवाज सुनाती हूँ आपको, तो सुना ना आपने, है ना बिल्कुल कुरकुरी और अमेजिंग रेसिपी। तो दोस्तों आप भी इस कुरकुरी, चटपटी और अमेजिंग रेसिपी को अपने घर पे एक बार जरूर बनाइए और हफ्ते 15 दिन तक इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नई और यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।